एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक बहजोई में स्थित रामपुरा गांव पड़ाव। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 2 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 2 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने गीता देवी अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारियों में सौंपी है। लगभग 12,500 की आबादी एवं 5,560 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 1450 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 440 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 72 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 12 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 250 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर, 50 स्ट्रीट लाइट व 31 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 16 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, निकासी के लिए नाली व तालाब का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पानी की टंकी, गांव का मैन गेट, बारात घर, आंगनबाड़ी केंद्र, इंटर कॉलेज, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भगवान राज्य और केंद्र सरकार ने किया। मैं ग्राम प्रधान पति कृष्ण अवतार, जनपद संभल, ग्राम रामपुरा, तहसील चंदोसी, ब्लॉक बैजोई, थाना बैजोई से हूँ। मैं अपने ग्राम के विकास के लिए सरकार ने जो भी पैसा दिया बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने अपने गांव में लगाया है। गांव में सड़कें बनवाई हैं, शौचालय बनवाए, स्कूलों में नए शौचालय बनवाए, हैंडपंपों की मरम्मत करवाई है। इस पूरी ईमानदारी के साथ मैंने जो भी पैसा निकाला वो पूरी ईमानदारी से अपने गांव में विकास में लगाया है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मुझे अधिक से अधिक धन दिया जाए, जिससे मेरे गांव की सड़कें खराब हैं, बारात घर नहीं है, पानी की टंकी नहीं है और राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए, जिससे मेरे गांव की आबादी अधिक है और मैं अपने गांव की आबादी के हिसाब से राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए, जिससे कि मेरे गांव के बच्चे अधिक दूर कॉलेज के लिए नहीं जाएं। और मैं अपने गांव में, मेरे गांव में सड़कें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, पुरानी सड़कें हैं, उनमें पानी भर जाता है, पानी भरने से बालक बीमार होते हैं, जिससे कि उनका सड़क परवाई जाए और बीमारी से बचा जाए। वो गरीब आदमियों के लिए आवास दिए जाएं और गरीबी जिससे दूर हो, जिससे कि गांव की उन्नति हो। और मैं सरकार से अधिक धन चाहता हूँ।